शादी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कि ये यंगस्टर के लिए कि कहीं पे भी और किसी भी वक्त देख सकते हैं, तो उसके बारे में आप जरा सा डिस्क्राइब करें। वेब कंटेंट आई थिंक इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप टेलीविजन आपको कंट्रोल करता है आजकल के जमाने में, जो अब वेब चैनल्स ने वो तोड़ दिया है, क्योंकि आप किसी भी वक्त कहीं भी अपने फोन पर, और सबके पास आजकल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आप इसको लॉगिन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फ्यूचर। आप यू आर नॉट डोमिनेटेड बाय एनी टेलीविजन, आपको घर जल्दी आके अपना फेवरेट शो देखना नहीं पड़ेगा, आप रिपीट पे कुछ डालने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज लाइक अ योर फेवरेट शो ऑन द गो, यू नो, और कितनी भी बार देखो। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट एप्लीकेशन टू हैव। शोज इस पे बन रहे हैं, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउसेज अब वेब प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो आई थिंक वी आर प्राउड कि पहली बार हम लोग आ गए और बहुत अलग शो के साथ, इसके प्रमोशंस बहुत अलग तरीके से हो रहे हैं, तो इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द फ्यूचर। फर्स्ट आपको कोई अप्रोच किया इन्होंने, और दूसरी बात ये यंगस्टर के लिए है, और आजकल का ये मेन मुद्दा है यंगस्टर का कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो इस पे ये कितना मतलब ये यंगस्टर को हेल्प करेगा मैनेज करने का? वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम जिस टाइप के टॉपिक्स को टच कर रहे हैं और जैसे इश्यूज को हम अपने एपिसोड में कवर कर रहे हैं, आई थिंक सबके सब कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जो कभी रिलेशनशिप में था या आज के टाइम पे रिलेशनशिप में है या शायद कभी फ्यूचर में रिलेशनशिप में जाएगा, विल गेट टू लर्न समथिंग। कुछ तो वो सीखेंगे हमारे एपिसोड से कि नहीं यार, वो उसने ठीक नहीं किया था, वो लड़का गलत था या लड़की गलत थी, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है टू काइंड ऑफ कंपेयर अपना रिलेशनशिप टू अस। और हम कोई एग्नी आर्ट नहीं है कि हम बैठ के किसी को ज्ञान देते हैं या भाषण देते हैं कि रिलेशनशिप्स ऐसे बनाओ या रिलेशनशिप्स ऐसे बनाओ, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में भी फ्लॉज हैं एपिसोड्स में, हम भी लड़ते हैं, हम भी झगड़ते हैं, बट हम मैसेज ये देते हैं कि यार थोड़ा एडजस्ट तुम्हें करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट मुझे करना पड़ेगा, एंड दैट्स द ओनली वे कि रिलेशनशिप वर्क कर सकता है। अगर तुम चाहते हो किसी के साथ रहना तो तुम किसी भी तरीके से रिलेशनशिप को वर्कआउट कर लोगे, और अगर तुम नहीं चाहते हो और तुम्हें दरवाजा खोल के बाहर निकलना है तो उसमें भी तुम हजार रीजंस ढूंढ लोगे। सो ऐसे कोई हम मॉरल प्रीच नहीं करना चाहते कि यू नो ऐसा देखो यही आइडियल रिलेशनशिप है, हमारे जैसे होना चाहिए, एंड वही उसकी ब्यूटी वो है कि फ्लॉज है, हर रिलेशनशिप में फ्लॉज है और हमारे रिलेशनशिप में फ्लॉज है। सर, बॉयफ्रेंड चाहता है कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड से उसको उसमें टच में ना रहे, सबसे मेन प्रॉब्लम यही आता है, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, होता है सर यंगस्टर को इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। और हर बॉयफ्रेंड को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो फुद्दू सा है, वो साला पता नहीं उसको उसके पीछे अभी तक क्यों पड़ा है, ये क्यों उसके फोन पे मैसेज क्यों आता है, मतलब वाई शी इन टच विथ हिम, मतलब क्या जरूरत है, पास्ट हो गया ना, चलो हाँ खत्म हो गया, तो लड़की गर्लफ्रेंड ने बता दिया कि मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड है, बस एक बार बता दिया तो फिनिश करो ना टॉपिक। लेकिन लड़कियों का यही प्रॉब्लम है ना, झगड़े में उनका नाम लेके आते हैं, लड़कों का भी यही प्रॉब्लम है कि जब ये कुछ बोलती है तो मैं बोलता हूँ अरे तुम्हारा वो एक्स बॉयफ्रेंड वो तो नहीं करता था ऐसे, तुम मुझसे इतनी क्यों लड़ती हो। अच्छा। फिर वो बोलेगी यार व्हाई यू ब्रिंगिंग हिम अप, वो तो हो गया ना, और इसका बिल्कुल ऐसा ही है, जब इसको कंपेयर करना होता है तो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हमेशा बीच में आती है, हमेशा। Exactly. इसको तो मुझे मेरे बॉस से भी उसकी जितनी फिट नहीं है, मैं उसकी जितना वर्कआउट नहीं करती हूँ, मैं उसकी जितनी सुंदर नहीं हूँ, तो इट्स नॉट कि मैं ही सिर्फ अपने एक्स गर्लफ्रेंड को बीच में आती हूँ, तुम भी बहुत नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप में हम सब लड़कियां भी लेके आती हैं कि मतलब कि लड़के का एक्स बॉयफ्रेंड है, ये मेरे पीछे पड़ी है कि मेरा मेरी एक बॉस है, बहुत हॉट सी बॉस है, उसके पीछे पड़ी है यार, वो तुम्हें मैसेज क्यों करती है, तो ऐसे इश्यूज ये तो करती है, अभी मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूं। तो इस शो में ऐसे इश्यूज हैं जो एब्सोल्युटली रियल है। फॉर एग्जाम्पल, लड़के ये चाहते हैं कि लड़कियां उनकी जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो छोटे कपड़े ना पहने, ठीक है, स्पेशली जब वो उसके साथ नहीं जा रही बाहर, ये इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो आप। बाकी लड़कियां जब छोटे कपड़े पहनती है तो चेकआउट करने सबसे पहले यही जाता है, वो तो करना वो तुम्हारा राइट है, अगर गर्लफ्रेंड ने छोटे कपड़े पहन लिए तो तौबा तौबा, अभी क्या। एक्सक्यूज मी, लेकिन आप मेरी बात से सहमत होना कि हम अपनी गर्लफ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अरे हाँ, दूसरे लड़कों से करने जाते नहीं, उन लड़कियों के उनके बॉयफ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने दो, इफ दे आर अनप्रोटेक्टेड हमारी क्या गलती है, हम तो देखेंगे, पहनो सारी बाहर डिस्को में, हमने थोड़ी ना रोका है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक शॉर्ट्स पहनोगे तो कौन सा मर्द नहीं देखेगा, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको इसको समझ में आता है, टू फेस्ड है ये, ऐसे ही है तो ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं, यहाँ से बचती है वहां से बचती है, ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं जो हम लोग टच करते हैं उसे, बट हम लोग एक तरीका है हमारा कि वी स्टिल स्टक टू द रिलेशनशिप, कैसे हम एडजस्ट करते हैं, कैसे हम इनकी चीजों को अप्रोच करते हैं, कैसे। सो आई थिंक दिस शो, जैसे आपने कहा कि यंगस्टर्स दे विल रिलेट टू इट 100%।
रिलेशनशिप में नहीं है तो शायद उनके दोस्त, उनके कजन्स, उनके फैमिली में ऐसे कोई रिलेशनशिप, एंड दे आइडेंटिफाई वेरी इजिली. सो ऐसा नहीं है कि ये शो सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है. बहुत मिडिल एज कपल्स हैं, बहुत माई पेरेंट्स विल रिलेट टू दिस बिकॉज उनके भी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे ऐसी छोटी छोटी बातों पे लेके ये मुद्दा होता है, एक फाइट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, बस थोड़े घंटों बाद उनको रियलाइज होता है क्या हम क्यों लड़ रहे थे यार, स्टूपिड ठीक है ना, एक्स बॉयफ्रेंड का फॉरगेट हिम, आई एम सॉरी एंड यू फिनिश ऑफ द टॉपिक. सो आई थिंक दिस सिचुएशन इज वेरी रियल. जो टेलीविजन में आपको कोई भी शो आपको ये नहीं दिखाएगा द एक्चुअल फैक्ट ऑफ द मैटर, वहां पे इतना ड्रामा क्रिएट करेंगे और फिर ऐसे ही छोड़ देंगे. सो आई थिंक विच इज वाई वी आर प्राउड के हम लोग एक वेब प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, रियल शो, ग्रेट कंटेंट. बाकी इट डिपेंड्स नाउ, वील यू नो वील डू आर बेस्ट. ये पर्सनल लाइफ में आपके कितना इन्वॉल्व हो जाता है कि मतलब कि हाँ होना चाहिए बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड से टच में या गर्लफ्रेंड से टच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस ये क्या आपका ये सोच इनसे पूछो इनसे पूछो. यार मुझे लगता है कि जितना आप ऐसी चीजों को कंपल्सरी बनाते हो ना कि नहीं तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर सकते, उतना ही आई फील एज अ गर्ल कि मैं उसको पुश करती हूँ कि मुझसे झूठ बोले और एक्चुअली मैं बात करे. तो उससे बेटर ये है कि लिबर्टी दो, क्या यार एक्स गर्लफ्रेंड है बात कर रहे हो ना, व्हाट्स द बिग डील. तो तुम इस एज अ मैच्योर पर्सन, हम सिंह हमारा रिलेशनशिप इस स्पेस में, हमारा रिलेशनशिप इज नॉट इन द स्पेस की क्यों मैसेज करते था रहना. हमारा जो शो है वो एक और मैच्योर लेवल पे जाता है जहां मैं उसको बोलती हूँ कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम मिलते हो तो मिलो यार, बता तो मुझे. एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड ओवर द टॉप ड्रामेटिक, वो जो एग्जैजरेटेड शो होते हैं कि तुम नहीं बात करोगे, तुमने कैसे उसे मैसेज किया. हम वैसे लोग नहीं है, हम नॉर्मल लोग हैं कि यार मैं भी मिलती हूँ, चलो हम तीनों लंच पे चलते हैं, पर छुपाओ तो नहीं ना. हाँ, तो क्या होता है कि पर्सनल एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होती है तो जो पर्सनल रिलेशनशिप रहते हैं वो कहीं ना कहीं बाद में फिर वो वर्ड्स आ जाते हैं, लव यू जान, ये वो सब टचिंग. हाँ, सब आ जाते हैं. तो ये प्रॉब्लम का बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है. क्या है हम लोग इस मुद्दे को टच करते हैं जरूर. हर रिलेशनशिप में जेलसी होती है, पोजेसिवनेस होता है, इनसिक्योरिटीज बहुत होती है आजकल के जमाने में. व्हेन देयर इज सो मच टेम्पटेशन, मीडिया इतना फैल गया है, वी आर वॉचिंग शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमें एक्सेस हो गया है सब पे, तो इनसिक्योरिटी इज अ बिग बिग प्रॉब्लम. पर इसमें हम इस शो के दौरान हम ये दिखाते हैं कि मुद्दा है, हम लोग जेलस हैं, इनसिक्योर हैं, ठीक है, फिर एक लेवल और चढ़ते हैं एंड वी बिकम मेच्योर एंड वी डिस्कस द प्रॉब्लम. तो मैंने इसको ये भी कहा कि तुम मुझे झूठ बोलने का चांस ही मत दो, बी ओपन विथ मी, कम्युनिकेशन करो तो मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा. तो हम लोग एक तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग ऑन द लेवल, ताकि नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम हो तो हम लोग वी कैन सिट डाउन एंड से यार लास्ट टाइम यही बात हुई थी, हमने डिसाइड कर लिया था समवेयर. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑल रिलेशनशिप्स आर परफेक्ट और कैन बी परफेक्ट और समटाइम्स शुड नॉट बी परफेक्ट ऑल्सो, बट वी आर, हम लोग एक प्रॉब्लम को छोड़ते नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, मेच्योरली उसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो. क्योंकि कोई भी आपको दिखा सकता है प्रॉब्लम, फाइट, ड्रामा और छोड़ सकता है, हम लोग वो नहीं करते. हम लोग दिखाते हैं कि देयर इज लव, नहीं तो इसने मेरे सर पे बंदूक तो नहीं रखी कि यू हैव टू स्टे हियर. मैंने शादी तो नहीं की इसके साथ, आई कैन लीव व्हेनेवर आई वांट, बट आई डोंट वांट टू, आई वांट टू बी विद हर. तो वी हैव टू क्रॉस दोज लाइंस. अच्छा है कि हम लड़ते हैं, क्योंकि लड़ने के बाद ही पता चलता है कि वेयर डू वी स्टैंड विद ईच अदर एंड देन द रिलेशनशिप बिकम्स स्ट्रॉन्गर. And I think that is the beauty of hashtag Love Bytes. Sony LIV has taken this superb initiative. जैसे अभी यूरोज और जब बालाजी भी ये लॉन्च कर चुके हैं और करने वाले हैं, तो फिर कहां तक उससे कंपटीशन का मतलब आपके वेब का लगता है शो का? कॉम्पिटिशन कोई है नहीं एज सच, बिकॉज बालाजी अपने टाइप के शोज बनाएंगे, ईरोस अपने टाइप के शोज बनाएंगे, सोनी की पोजिशनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, सोनी उस टाइप के शोज बनाएगी सोनी लिफ्ट पे. एंड आई नो पहले लोगों ने अटेम्प्ट भी किया है, बट इस टाइप का शो किसी ने अटेम्प्ट नहीं करा, स्पेशली लिव इन रिलेशनशिप. हम उन टॉपिक्स को टच कर रहे हैं जो शायद दूसरे लोग टच करने में थोड़ा घबराते हैं, या उन्हें लगता है रिस्क है, या शायद बहुत मॉडर्न है, या थोड़ा ज्यादा डेयरिंग है, बोल्ड है, यू नो द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर अ टैबू इन इंडिया. और हम लोग वो चीजों को जंप करके आगे जा रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा ही है यार, दैट्स हाउ इट इज, यंगस्टर्स ऐसे ही होते हैं आजकल, आजकल के यंग बॉयज, यंग गर्ल्स, इवन बाकी लोग जो रिलेशनशिप में होते हैं. तो इफ आई वाज टू से, आई वुड से कि कोई कंपैरिजन रियली है नहीं. ऑफकोर्स इस शो से और लोग इंस्पायर होंगे एंड दे माइट फील कि अरे हमें भी कुछ करना चाहिए, एंड आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्शन हाउसेज, फॉरगेट अबाउट दीज थ्री, और भी बहुत लोग बनाएंगे,
शोज बनाएंगे, शायद लिव इन रिलेशनशिप पे भी बना सकते हैं. बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ये एक्चुअली इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड है एंड इट्स द फर्स्ट वन. तो ठीक डिसीजन लिया कि गलत डिसीजन लिया, रिस्क लिया कि नहीं लिया, बट एटलीस्ट वी वर द फर्स्ट वंस टू अटेम्प्ट समथिंग और हम लोगों ने वो रिस्क लिया है. एंड आगे ऑफ कोर्स वी हैव बेस्ट विशेज एंड फ्रॉम यू गाइज दैट यू विल वॉच द शो एंड यू विल लाइक इट. या और बालाजी और इरोस और इतने जो प्रोडक्शंस आ रहे हैं वो सेम कंटेंट तो बना नहीं सकते जो टेलीविजन पे बनाते हैं. डिफरेंट ऑडियंस है, कंटेंट डिफरेंट होगा. तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं कि इस नए प्लेटफॉर्म में भी दे विल बी अ हिट, बिकॉज बहुत सारे अभी जो हिट हैं जो वेब प्लेटफॉर्म पे हैं वो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं बिकॉज उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, वेब के लिए बना है. तो यू कैन नेवर से एनीथिंग अबाउट कंटेंट एज ऑफ टुडे. एक साल बाद आप वापस आओगे एंड देन यू विल हैव द फिगर्स, यू विल नो कि कौन सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि दैट्स द फ्यूचर. तो वेब कंटेंट इज वन प्लेस विच इज ट्रिकी राइट नाउ. एक सिचुएशन है जहां पे हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं और बहुत सारे इट्स अ ट्रायल एंड एरर फेज राइट नाउ एंड आई एम हैप्पी कि हम लोग इस स्टेज पे एंटर कर रहे हैं. और हमें तो और कॉन्फिडेंट ही फील होता है कि हमारे अलावा बालाजी इरोस भी बना रहे हैं, तो हम जो कर रहे हैं वो भी वही सोच रहे हैं, तो हम कुछ सही सोच रहे होंगे बेसिकली लाइक देम. ठीक है, यस प्लीज वॉच अभी एंड अनन्या ऑन #LoveBytes Sony LIV स्टार्टिंग फ्रॉम 7 सितंबर मंडे और थर्सडे. प्लीज वॉच. यस, बाय बाय. थैंक यू.